सीएम कमलनाथ ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो बोलते कम हैं और काम ज्यादा करते हैं, यह बात पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कही। देखिए इस रिपोर्ट में। अपने बयानों से चर्चा में रहने वाले मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह इन दिनों फिर सुर्खियों में हैं। दिग्विजय सिंह ने सीएम कमलनाथ को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि कमलनाथ ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो बोलते कम हैं और काम ज्यादा करते हैं। भोपाल शहर अपनी शांति व्यवस्था के लिए जाना जाता है, सुंदर शहर है, झील है, पहाड़ है, जंगल है, इसलिए इसको और सुंदर बनाया जाए इसके लिए हमने हमारा भोपाल विजन डॉक्यूमेंट दिया है। और उस भोपाल विजन डॉक्यूमेंट के बारे में मैं दो बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका हूँ, मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि कमलनाथ जी ने हमें पूरा उसका समर्थन दिया है। और उसके आधार पर मैं कल ही हमारी मेरी उनसे चर्चा हुई है, उन्होंने जो भी हमारे विजन डॉक्यूमेंट में इश्यूज हैं उन पर सब पर मुख्य सचिव को निर्देश दिए हैं कि वो एक महीने में सभी बिंदुओं पर रिपोर्ट बनाकर सरकार को प्रस्तुत करें। शिवराज सिंह चौहान साहब आजकल कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं, स्वाभाविक है कि 15 साल तक मुख्यमंत्री रहने के बाद विरोध में आकर वो अपनी जमीन के जो उन्होंने खोई है और फिर जो आंतरिक विरोध भाजपा में उनका शुरू हो गया है उससे वे इस प्रकार के बयान दे रहे हैं कि दिग्विजय सिंह देशद्रोही है। मैंने कहा भाई हमारे को गिरफ्तार कर लीजिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए कहते हैं अपराधी थे, तो बात यही है। मैंने कभी जो कुछ भी कहा है बिना सोचे समझे नहीं कहा है, मैंने जो कुछ भी कहा है तथ्यों के आधार पर कहा है और एक एक बात जो मैंने कही है सही साबित हुई है। उन्होंने आगे कहा है कि भाजपा के लोगों को उम्मीद ही नहीं थी कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में सरकार बना लेगी। ये भ्रम अब भाजपा नेताओं को दूर कर लेना चाहिए कि सरकार अब नहीं चलेगी, चाहे बीजेपी नेता हो या ब्यूरोक्रेट्स हो, सभी ये मन से निकाल दें कि सरकार नहीं चल पाएगी। 15 साल से लगातार जो लोग सत्ता में रहे उन्हें सपनों में भी उम्मीद नहीं थी कि उनकी सरकार नहीं बन पाएगी और इसलिए उन्होंने जिस दिन नतीजे घोषित हुए उस दिन से ही सरकार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की ना चले उसके लिए भी निरंतर प्रयास करते रहे और अनेक बातें सामने आई, उसको मैं यहाँ दोहराना नहीं चाहता, लेकिन इतना मैं जानता हूं कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में हमेशा से मजबूत रही है, आज भी है और सरकार मजबूती के साथ काम कर रही है और करेगी। ये भ्रम लोगों का समाप्त हो जाना चाहिए कि ये सरकार नहीं चलेगी, चाहे प्रेस के लोग हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो और चाहे भाजपा हो या अन्य पार्टी हो, ये बात समझ लेना चाहिए कि किसी हालत में हमारी सरकार कहीं कमजोर नहीं है और दृढ़ता से 5 साल हमारी सरकार रहेगी। भाजपा सरकार ने जितना इन्वेस्टर्स मीट के लिए खर्च किया है प्रदेश में उतना भी निवेश नहीं हुआ। उनकी सरकार के कार्यकाल में कई बड़े बड़े कांड सामने आए, जैसे डंपर कांड, ई टेंडरिंग घोटाला, इन सभी मामलों की जांच होगी और दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। व्यापम घोटाले में जिन्होंने पैसे लिए थे वो जेल से बाहर हैं। पैसे लेने वालों को सरकारी गवाह बनाया जाए, मैंने सरकार से इस बारे में बात की है। 15 साल तक इन्वेस्टर मीट हमने देखी जहां करोड़ों रुपए, सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च हुए, लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं आया। जितना खर्चा हुआ इन्वेस्टर मीट पे उतना इन्वेस्टमेंट भी नहीं आया। तो ये काम करने का तरीका कमलनाथ जी का नहीं है, वो 1-to-1 संपर्क साधते हैं, संबंध बनाते हैं और उसी के आधार पर वे यहाँ पर इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस मजबूती के साथ स्थापित करेंगे, ऐसा हमें पूरा विश्वास है।
और तब से लेकर ई टेंडरिंग तक अनेक घोटाले सामने आए। एक एक घोटाला उजागर करके, निष्पक्ष जांच करके उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी, ये बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं। व्यापम में शुरू से हमारा ये मत रहा है कि पैसे लेने वाले लोगों ने सरकार से मिलकर जिन बच्चों ने और उनके पालकों ने अपने बच्चों को सरकारी नौकरी और इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए मजबूरी में अपनी कहीं किसी ने कर्जा लिया, किसी ने जमीन बेची, किसी ने मकान बेचा और पैसा देकर उन्होंने एडमिशन लिया, नौकरी पाई, वो लोग सब अपराधी की श्रेणी में आ गए। और जिन्होंने पैसा लिया उनमें से अनेक लोग खुले घूम रहे। ये केवल इसलिए किया गया ताकि हजारों जब अपराधी हो जाएंगे तो सैकड़ों प्रकरण चलेंगे और ऐसे प्रकरणों में कभी किसी को सजा मिलना संभव नहीं है। हम लोग शुरू से ये कहते आए हैं कि पैसे देने वालों को सरकारी गवाह बनाना चाहिए और जिन्होंने लिया है उनको ही अपराधी बनाना चाहिए। ई टेंडरिंग का घोटाला हजारों करोड़ का है, किस तरह से लोगों ने मिलकर मन चाहे लोगों को ठेका दिलवाया दलालों के माध्यम से और किन लोगों को फायदा मिला, ये सारी बातें उजागर होंगी और हो रही हैं। कुल मिलाकर दिग्विजय सिंह ने मीडिया के सामने तमाम मुद्दों पर जमकर बेबाकी दिखाई। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, भोपाल।